जहांगीर का हौस टैंक 1610 ही इस अखंड टैंक हौस का उपयोग स्नान के लिए किया जाता था। ये 5 फीट ऊंचा, 8 फीट व्यास और 25 फीट परिधि का है। बाहरी किनारे पर फारसी में एक शिलालेख है जिसमें इसे हौस ए जहांगीर के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसे सबसे पहले अकबर के महल के प्रांगण के पास खोजा गया था 1843 में, और बाद में इसे दीवान-ए-आम के सामने रखा गया। 1862 में इसे सार्वजनिक उद्यान कंपनी बाग में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसे बहुत नुकसान पहुंचा। बाद में सर जॉन मार्शल ने इसे वापस आगरा किले में लाकर रख दिया। इस हौस के कारण महल जहांगीरी महल के रूप में प्रसिद्ध हो गया, हालांकि यह अकबर के बंगाली महल का हिस्सा है। शाहजहानी महल 1628-35 ही, ये सफेद संगमरमर के खास महल और लाल पत्थर के जहांगीरी महल के बीच में स्थित है और दो अलग अलग युगों के इन दो आवासीय परिसरों के बीच में स्थित है। यह मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा एक मौजूदा लाल पत्थर की इमारत को अपने स्वाद के अनुसार बदलने का सबसे पहला प्रयास है और यह आगरा किले में उनका सबसे पहला महल था। इसमें एक बड़ा हॉल, बगल के कमरे और नदी के किनारे एक अष्टकोणीय मीनार है। ईंट और लाल पत्थर के कंकाल निर्माण को मोटे सफेद प्लास्टर के साथ फिर से बनाया गया था और फूलों की डिजाइनों में रंगीन ढंग से चित्रित किया गया था। पूरा महल कभी सफेद संगमरमर की तरह चमकता था। खास महल की ओर मुख पर एक बड़ा विशाल सफेद संगमरमर का दालान है जो 5 मेहराबों से बना है, जो दोहरे खंभों पर टिका हुआ है और बाहरी रूप से एक छज्जा द्वारा संरक्षित है। इसके बंद पश्चिमी खाड़ी के घर, गजनी गेट, बाबर की बावली और एक कुआं इसके नीचे स्थित हैं। गजनी गेट 1030 ही, ये गेट मूल रूप से गजनी में महमूद गजनवी के मकबरे का था। इसे 1842 में अंग्रेज वहां से लाए थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड अल्मबोरो ने ऐतिहासिक घोषणा में दावा किया था कि ये सोमनाथ के चंदन के लकड़ी के दरवाजे हैं जिन्हें महमूद 1025 में गजनी ले गया था और इस तरह अंग्रेजों ने 800 साल पहले के अपमान का बदला लिया था। ये झूठा दावा सिर्फ भारतीय लोगों की सद्भावना जीतने के लिए किया गया था। दरवाजा दरअसल गजनी के स्थानीय देवदार की लकड़ी से बना है, न कि चंदन की लकड़ी से। सजावट की शैली प्राचीन गुजराती लकड़ी के काम से मिलती जुलती नहीं है। ऊपरी हिस्से पर एक अरबी शिलालेख भी खुदा हुआ है। इसमें महमूद का उल्लेख उसके उपनामों के साथ किया गया है। सर जॉन मार्शल ने यहाँ एक नोटिस बोर्ड लगाया था जिसमें इस गेट के बारे में पूरी घटना का वर्णन था। ये 16.5 फीट ऊंचा और 13.5 फीट चौड़ा है और इसका वजन लगभग आधा टन है। ये ज्यामितीय अष्टकोणीय और अष्टकोणीय पैनलों से बना है जिन्हें एक दूसरे की मदद से बिना किसी कील के फ्रेम में लगाया गया है। सोमनाथ में इसे पुनर्स्थापित करने का विचार अंततः छोड़ दिया गया और द्वार को त्याग दिया गया। तब से इसे एक कमरे में संग्रहित किया जाता है। जहांगीर की न्याय की जंजीर लगभग 1605 इंच, ये वह स्थान है जहां मुगल राजा जहांगीर ने लगभग 1605 इंच में अपनी न्याय की जंजीरें अदद स्थापित की थी। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि उनके राज्याभिषेक के बाद उन्होंने जो पहला आदेश दिया वह न्याय की जंजीर को मजबूत करने के लिए था, ताकि अगर न्याय के प्रशासन में लगे लोग देरी करें या पाखंड करें तो पीड़ित इस जंजीर के पास आकर इसे हिला सके, ताकि इसकी आवाज मेरा ध्यान आकर्षित करे। ये शुद्ध सोने से बना था। इसकी लंबाई 80 फीट थी और इसमें 7 घंटियां थी। इसका वजन 1 क्विंटल था। इसका एक सिरा शाह बुर्ज की लड़ाई की दीवारों से और दूसरा सिरा नदी के किनारे एक पत्थर के खंभे से बंधा हुआ था। यह कोई मिथक नहीं है। विलियम हॉकिंस जैसे समकालीन विदेशी यात्रियों ने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा था। इसे 1620 में बनाई गई एक समकालीन पेंटिंग में भी दर्शाया गया है। ये लोगों की शिकायतों के निवारण का एक तरीका था जो साम्राज्य के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी राजा से सीधे संपर्क कर सकते थे बिना किसी शुल्क, भय या औपचारिकता के तत्काल राहत के लिए। जाति या पंथ या गरीब और अमीर के बीच कोई भेद नहीं था। जहांगीर का न्याय प्रशासन अदल-ए-जहांगीर भारतीय इतिहास में एक किंवदंती बना।